दोस्तों रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच उत्पन्न तनाव या युद्ध की स्थिति और उसके पीछे के कारण निहितार्थ को समझने का जो प्रयास करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है उसके निहितार्थ आपके लिए जो है पृथक हो सकते हैं अपेक्षाकृत उन चैनलों के द्वारा जिनके द्वारा इस घटना को कवर किया जा रहा है। एक विद्यार्थी और प्रतियोगी होने के कारण से आपका यह धर्म है कि आपका जो विश्लेषण है वो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, संसदीय, मानवीय और नैतिक आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पर आपका दृष्टिकोण हमेशा लोकतांत्रिक, संसदीय, संवैधानिक, मानवीय और नैतिक आधारों पर होना चाहिए। पांच ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आंसर में जो है ये चीजें जो है दिखनी चाहिए। लोकतांत्रिक है, संसदीय, संवैधानिक, मानवीय और नैतिक। मानवीय और नैतिक ये पांच महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। जब आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं चाहे वो 150 शब्द का हो या फिर 500 शब्दों का हो, यद्यपि वर्तमान समय में जो पैटर्न परीक्षा का है उसमें छोटे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है कुछ इन्हीं क्राइटेरिया पे होना चाहिए। जब कोई भी घटना, कोई भी प्रगति राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और मुख्य परीक्षा में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में इस तरीके की घटना हो रही है, इसका क्या निहितार्थ है या इसे आप किस रूप में देखते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो वहां पर आपका आंसर लिखने के दौरान कुछ इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो है होना चाहिए। जब आप इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत ही संतुलित और एक सही निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं। अब रही बात जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है तनाव और पिछले महीने की 24 फरवरी से जो है एक युद्ध की जो है स्थिति का, तो जब आप इस घटना को देखेंगे तो आपका यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर यह राजनीतिक पार्टी होती तो यहां पर ऐसा निर्णय लेती, ये नहीं है। आज की परिस्थितियों में मानवीय, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, संसदीय, इन सभी बिंदुओं के आधार पर आप किसी घटना का जो विश्लेषण करते हैं और उनके कारणों को जो समझने का जो प्रयास करते हैं। तो इस घटना के संदर्भ में या इस युद्ध और तनाव के संदर्भ में आपका ये कर्तव्य और जानने का जो है कोई महत्व नहीं है कि इसमें कितने लोग हताहत हुए, किस डेट को युद्ध प्रारंभ हुआ, उसमें कितने मिसाइलें दागी गई, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि इस युद्ध और तनाव के पीछे जो कारण है उनको समझने का है और उस कारण को जानने के बाद जो है इस युद्ध का क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं या इंडिया या इसके साथ साथ वैश्विक स्तर के इकोनॉमी में क्या जो है बदलाव या प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सभी बातों को जो समझने की आवश्यकता है और इस युद्ध से भारत किस रूप में जो है जुड़ा हुआ है या विशेष करके इन दोनों जो देशों के बीच भारत के जो संबंध थे, इन दोनों देशों को लेकर के भारत के संदर्भ संबंध थे, तो उसके आधार पर भारत को इस युद्ध के संदर्भ में अपना क्या जो है स्टैंड रखना चाहिए, ये सारी बातें जो है आप लोगों को समझना चाहिए। तो कुछ इन्हीं बातों को हम इस संक्षिप्त विश्लेषण में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा इतिहास को अगर हम लोग जो है देखें तो इसके कारणों को जो अगर देखें तो इसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विवाद का मूल कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध प्रारंभ होता है वहीं से जो है इसके मूल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया वैचारिक आधार पर दो भागों में जो है बंट जाती है। एक जो है पूंजीवादी जो है और दूसरा जो है वो समाजवादी होता है, पूंजीवादी और समाजवादी। अब पूंजीवादी विचारधारा का जो समर्थन अमेरिका के द्वारा जो है किया जाने लगा और समाजवादी विचारधारा का जो है समर्थन यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, इसके द्वारा जो है किया जाने लगा और दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे को पीछे करने और एक दूसरे से अपने आप को आगे
करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। कुछ इन्हीं पृष्ठभूमि से जो है यह युद्ध के मूल और जड़ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है यूरोप दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के रूप में। तो पूर्वी यूरोप के देश ज्यादातर रशिया और समाजवादी विचारधारा के शिविर में आ जाते हैं, और उन्हीं देशों में जो है यूक्रेन भी शामिल था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप का जो है एक महत्वपूर्ण देश है और वह जो है रशिया के प्रभाव में था। तो चूंकि 1991 ईस्वी तक ये शीत युद्ध चला और 1991 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी, विकास के दौर में पीछे छूट गई, अपने ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का चाहे वो आर्थिक हो या किसी भी प्रकार का हो, वो देश के कल्याण विकास लोकतांत्रिक जो है मूल्यों को बढ़ावा देने के बजाय जो है शस्त्रों के खरीद में जो है और तनाव तथा युद्ध के रूप में जो है खर्च किया। तो ऐसी स्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, 1991 ईस्वी में जो है यह यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और वहीं से शीत युद्ध समाप्त भी हो गया और रूस जो है एक स्वतंत्र रूप में जो है एक राष्ट्र के रूप में आता है, और उसके पहले ये जो है यूएसएसआर के अंदर जो है गुट में जो है सम्मिलित था। अब चूंकि इस बात को समझना आवश्यक है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, दोनों ही एक सार्वभौमिक राष्ट्र हैं, इस बात को समझना आवश्यक है कि रूस की तरह से ही यूक्रेन भी एक सार्वभौमिक देश है जिसके पास जो है संप्रभुता है, सॉवरिनिटी है, और सॉवरिनिटी ये बताता है, संप्रभुता ये बताता है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, विदेश नीति को संचालित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इन बातों के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर यूक्रेन किसी भी तरीके का निर्णय लेता है तो वह उस राष्ट्र का अपना मत होता है और उसमें किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर इस बात को समझना आवश्यक है कि जैसे शीत युद्ध के दौरान जब नाटो का उदय हुआ था 1949 ईस्वी में नाटो का उदय हुआ था, और यह एक सैन्य गठबंधन था, एक सैन्य जो है ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अपने सदस्य देशों के आक्रमण होने की स्थिति में एकजुट होकर के जो है आक्रमणकारी देश से बदला लेने के लिए जो है बनाया गया था, ताकि किसी देश पर आक्रमण होने की स्थिति में उस देश को आक्रमणकारी देश से जो बचाया जा सके। तो वर्तमान समय की परिस्थितियां जबकि देश को विकास के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में नाटो के लिए अगर किसी देश का प्रयास किया जा रहा है, जबकि शीत युद्ध समाप्त हो गया, लोकतांत्रिक मूल्य है, उदारवादी विचारधारा अपनाई गई है, हर राष्ट्र जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी देश का सैन्यकरण करना या शस्त्रों को बढ़ावा देना किसी भी स्थिति में जो है औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन अब यहीं पर हम रशिया की तरफ से जो है रशिया की स्टैंड को समझने का प्रयास करेंगे कि रशिया ने 24 फरवरी को आक्रमण कर दिया, उसके पहले कुछ जटिल और तनाव की स्थिति विद्यमान थी, उसके बाद जो है रशिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो क्या रशिया के द्वारा यह निर्णय लेना उचित था कि वह अपने जो है जिस भी प्रकार की जो है नीतियां थी उसको ऐसा लगता था कि हमें यूक्रेन पर विरासत में जो है नेतृत्व प्राप्त हुआ है कि वह उसके गुट में जो है वैचारिक रूप से रहे या जो है उसके नेतृत्व को या उसके वर्चस्व को वो स्वीकार कर ले, मतलब रशिया को ऐसा प्रतीत होता था कि शीत युद्ध के दौरान यदि वह यूएसएसआर यानी कि रशिया के गुट में था तो उसे वर्तमान समय में भी जो है उसी के गुट में रहना चाहिए, ऐसा रशिया को प्रतीत होता है कि हमें ये चीज विरासत में प्राप्त हो जाती है, जो कि यहीं पर वह सार्वभौमिक और एक संप्रभुता संपन्न देश के जो सिद्धांत हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, उसके विरुद्ध हो जाता है। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या उसका युद्ध के लिए जो लिया गया निर्णय है वह औचित्यपूर्ण है या नहीं, क्या युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यदि उसको ऐसा प्रतीत होता था कि यदि यूक्रेन नाटो में, यदि यूक्रेन जो है वो नाटो में जाता है तो नाटो की सेनाएं जो है वो यूक्रेन और रशिया के जो है बॉर्डर लाइन तक आएंगी और इससे जो है उसकी शांति व्यवस्था और सुरक्षा खतरे में आएगी, यदि ये बात आती थी तो ये इसके पहले भी वो कई अन्य जो है रास्तों को अपना सकता था, जैसे कि वो उससे राजनयिक संबंध समाप्त कर सकता था, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा सकता था,
या इसी तरीके से उसको विभिन्न स्तरों पर यदि सहायता वो देता था तो सहायता को समाप्त करता कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो यूएनओ में अपनी बात रख सकता था, और यूक्रेन की तुलना में अगर रशिया की स्थिति हर मामले में जो मजबूत है तो निश्चित तौर पर जो है वहां पर रशिया की बात मानी जाती। तो इन सभी बातों के पृष्ठभूमि में युद्ध जैसे डिसीजन तक पहुंचना जो है कहीं ना कहीं रशिया के लिए जो है लिया गया जल्दबाजी का एक निर्णय हो सकता है। तो इन सभी बातों को जो है हम इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में जो है समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है कारण रहा जो कि युद्ध के रूप में जो है तात्कालिक रूप में बना। इसके अलावा भी कई अन्य कारण थे, जैसा कि 2014 में जो है क्रीमिया का जो विवाद था, गैस पाइपलाइन से संबंधित कुछ बातें थी, कुछ उससे संबंधित जो है निहितार्थ थे, उससे संबंधित जो है हित थे जो दोनों देशों के लिए अलग अलग रूप में जो जुड़े हुए थे। लेकिन युद्ध का तात्कालिक कारण जो है वो यूक्रेन के द्वारा नाटो की तरफ जो है झुकाव, और ऐसी स्थिति में जो है दोनों राष्ट्रों के बीच जो है उत्पन्न तनाव को माना जाता है। तो यह कुल मिलाकर के जो इसकी पृष्ठभूमि और इसका रीजन था जो दोनों देशों के बीच जो है युद्ध के रूप में उभर करके सामने आता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है भारत के लिए कि इस युद्ध के संदर्भ में भारत की जो रणनीति रही वो कहां तक जो है सही आप मान सकते हैं। ऐसा सवाल आपके मेंस या साक्षात्कार में भी पूछ सकता है कि इस स्थिति में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ, युद्ध की स्थिति बनी, उस स्थिति में भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया, जो जिस नीति का जो पालन किया गया, क्या वह जो है सही था। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इस बात को समझना आवश्यक होगा कि दोनों राष्ट्रों के बीच भारत के क्या संबंध रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के सामान्य ही संबंध रहे हैं, किंतु कुछ ऐसा परिवर्तनकारी या कुछ इस तरीके का जो है संबंध नहीं रहा है जिससे किसी भी विशेष स्थिति और संकट से निपटने के लिए वो भारत का कभी सहायता किया हो, परंतु उसके साथ भारत के सामान्य तरीके के जो संबंध रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम रूस को देखते हैं तो रूस एक बड़ा देश था और कई अन्य मामलों में जो है या सामरिक रणनीतिक स्तर पर भारत के जो है रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय जो है कई समझौते थे, और कई महत्वपूर्ण स्थितियों में जरूरत के समय में जो है रशिया ने भारत का साथ दिया था। तो ऐसी स्थिति में वो सामान्य से एक विशिष्ट किस्म का जो है देश है जिसके भारत के साथ जो है एक बेहतर संबंध रहे हैं। लेकिन इस बात से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि यदि किसी भी देश के द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ अच्छे संबंध रहे हों तो क्या उसकी जो है गलत बातों का या किसी भी गलत कदम का समर्थन करना चाहिए या नहीं। यहां पर आप अगर प्रतियोगी छात्र के रूप में उत्तर लिख रहे हैं तो यहां पर किसी बात को आप गलत और सही साबित नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी स्थिति में जो है भारत की तरफ से उठाए गए जो है कदम को जो है एक संतुलित रूप में जो है दिखाने का जो प्रयास करेंगे। तो इसी के बातों के पृष्ठभूमि में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के युद्ध के निर्णय के प्रति जो है यूएनओ में जो है निंदा प्रस्ताव जब लाया गया तो ऐसी स्थिति में कुछ देश उसके समर्थन में आए और भारत ऐसा देश था जो उस प्रस्ताव पर जो है ना तो पक्ष में ना ही विपक्ष में वोट दिया, बल्कि वह उससे पृथक रहा। तो यह चीज बताता है कि वह कहीं ना कहीं इसमें एक बीच का रास्ता जो चुनने का प्रयास किया, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि जो है रूस के अगेंस्ट जो है मत देता तो ये माना जाता कि इतने लंबे समय से यदि भारत का रूस के साथ अच्छे संबंध थे तो यह कदम उठाना जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी भारत की मानी जाती। यदि वह जो है निंदा प्रस्ताव के विरुद्ध जो है रूस के साथ खड़ा हो जाता तो वहां पर यह माना जाता कि यह जो है शांति के जो है विरुद्ध जा रहा है और यह युद्ध का समर्थन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जबकि भारत की जो विदेश नीति का मूल है वो शांति के रास्ते पर जाने का है, पहली बार जो है आक्रमण ना करने का है, दो राष्ट्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का है और पंचशील के सिद्धांत के समर्थन पर आधारित है भारत की जो विदेश नीति का मूल है। तो ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा इस विषय पर जो लिया गया निर्णय था वो संतुलित था। अगला एक महत्वपूर्ण विषय बनता है जो कि यूक्रेन के संबंध में आता है, वो यह कि यूक्रेन से भारत का जो है इस
युद्ध के दौरान किस तरीके का जो है हित जुड़ा हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हित था वो भारत के छात्रों को लेकर के था। इसमें यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत के द्वारा छात्रों की जो है वहां से जो है निकासी के लिए अपनाई गई रणनीति सफल रही है या नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिसका जो है रूस यूक्रेन के साथ में सामान्य संबंध था, और ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसमें तत्काल जो है कदम उठाए गए और रसिया तथा उसके आसपास के देशों के भी जो है देशों के जो है राष्ट्राध्यक्षों से जो बात किया गया, जिससे कि इस समस्या से निपटने के लिए भारत के जो छात्रों को अन्य देशों के रास्ते से भी भारत को लाया जा सके। और युद्ध के जो प्रारंभ होने के बाद एक सप्ताह 10 दिन 12 दिन 14 दिन तक लगातार इस तरीके की गतिविधियां जारी रही और भारत के छात्रों को जो है वहां से दूसरे देशों के राजनयिक संबंधों के माध्यम से भी जो है लाया गया, क्योंकि उस देश के स्तर से या उस देश के माध्यम से इन छात्रों को ले आना कठिन था, क्योंकि वहां से फ्लाइट और किसी भी प्रकार की उड़ानें जो है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद कर दी गई थी। इस कारण से जो है पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया, इस तरीके के कई अन्य देशों के जो माध्यम से छात्रों को भेजकर वहां जो है उड़ानों के माध्यम से ले आया गया। तो ऐसी स्थिति में एक शांतिपूर्ण और संतुलित रणनीति को जो है अपनाते हुए भारत के द्वारा अपने छात्रों को जो है सुरक्षित जो है ले आने का काम किया गया। तो इस विषय पर जो है भारत की इसे जो है एक राजनयिक रणनीति कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से वो भारत के जो छात्रों को लाने में सफल रहा। इसी के साथ एक और जो है दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत के जो है छात्र विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय कोर्स को पूरा करने के लिए यूक्रेन में ही जाते हैं, क्या भारत में इस तरीके की सुविधा नहीं हो सकती है, या भारत से ऐसे छात्रों को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सबसे जो है महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बन जाता है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो अगर क्षेत्रफल में देखा जाए और जनसंख्या में देखा जाए तो दोनों ही स्तरों पर वह भारत की तुलना में बहुत छोटा देश बनता है। किंतु उन्होंने अपने संसाधनों का मानवीय संसाधनों का और आर्थिक संसाधनों का विभिन्न तकनीकों के विकास पर खर्च किया, और ऐसी स्थिति में एक उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान को खड़ा करने में जो सफलता प्राप्त कर ली कि उसकी जनसंख्या से जो है कई गुना जनसंख्या रखने वाले जो भारत देश से जो लोगों को वहां पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। तो इन बातों की पृष्ठभूमि में इस तरीके के जो सुधार करने की गुंजाइश भारत के स्तर पर है, या यहाँ पर नीतिगत स्तरों पर विचार या बदलाव करने की जो आवश्यकता है ताकि यहाँ पे उच्च स्तरीय जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो सके और फ्यूचर में जो है यहाँ के छात्रों को कम से कम बाहर जाना पड़े, क्योंकि इससे जो भारत की जो मुद्रा जो है वो भी जो है विदेशों में जाती है, तो कम से कम भारत की मुद्रा को बाहर जाने से भी जो इससे रोका जा सकेगा, वो आय जो है कहीं ना कहीं लोगों की इंडिया में जो खर्च होगा। तो इस विषय पर जो है सरकार को नीतिगत स्तरों पर जो सोचना चाहिए और तत्काल ऐसा कुछ निर्णय लेना चाहिए जिससे कि जो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों को भारत में बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाने से रोका जा सके, या वो सुविधाएं उनको यहीं पर दिया जा सके। अगला एक और सवाल इसमें उत्पन्न होता है कि इस युद्ध से जो है क्या जो है दुष्प्रभाव या प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक संबंधों में, आर्थिक संबंधों में पड़ता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का विषय है। युद्ध होने के बाद आपने देखा होगा कि समाचार पत्र और न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताया गया कि पूरी दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था जो है कमजोर पड़ी, मार्केट में जो गिरावट आई, कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने की आशंका है क्योंकि इससे गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम इत्यादि की जो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दुनिया के जो है सेंसेक्स में तत्काल गिरावट आई क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इससे जो है अर्थव्यवस्था में एक डगमगाहट है, कहीं ना कहीं उसमें विश्वास की कमी आ रही है, एक असुरक्षा का भाव है, निवेश में कहीं ना कहीं असुरक्षा दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार के साथ साथ प्रत्येक देश के जो है इकोनॉमी की जो आर्थिक गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुई, उसमें गिरावट आया। भारत में जो है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही में जो है व्यापक स्तर पर गिरावट हुई, और पिछले कई सालों
के जो है न्यूनतम एक दिन का जो है सबसे अधिकतम गिरावट जो है भारतीय बाजारों में देखी गई। तो ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ग्लोबलाइजेशन के युग में दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो ऐसे युद्ध का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक राष्ट्र को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि जिससे किसी भी तरीके के जो मामले का शांतिपूर्वक जो है निष्कर्ष निकल आए और उसके लिए युद्ध जैसे जो है बहुत ही बड़े निर्णय तक जो है न पहुंचना पड़े जिसमें व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती है। तो ये जो है एक आर्थिक जो है पक्ष है जिसको कि भी आपको समझने की जो आवश्यकता है। अगला एक भौगोलिक है कि चूंकि यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध हुआ है तो यूरोप के इस देश से संबंधित या उसके आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी की स्पष्ट रूप में जो है एक इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इसको जो है मैप के माध्यम से जो है देखा जाए तो मैप के स्तर पर इसको अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप का जो है एक देश है। यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप का एक जो है महत्वपूर्ण देश है और इसके पश्चिम में जो है इसके पश्चिम में अगर देखेंगे तो पोलैंड, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया और हंगरी हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया और जो हंगरी है पश्चिम में। उत्तर की दिशा में जो है बेलारूस और जो है रूस का भी भाग कुछ आता है क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है। तो यह जो है पूरब के साथ साथ पूरी पूर्वी क्षेत्र में जो है आप देखेंगे कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में जो है वो रशिया का जो भाग आता है और उत्तर दिशा में जो है उत्तर दिशा में बेलारूस और रूस आते हैं। दक्षिण की दिशा में जो है रोमानिया और बाल्दोबा आते हैं और यहां कुछ जो है सागर का भी भाग आता है जिसमें काला सागर और अजोब सागर आता है और इन दोनों के मध्य में जो है क्रीमिया जो है एक द्वीपीय स्थिति जो है बनाए हुए है वहां पे। तो यह इसकी एक भौगोलिक स्थिति है और इसे भी जो है स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है क्योंकि जब आप मैप का अध्ययन करते हैं तो अगर पूरे मैप का एक बार में अध्ययन करेंगे तो सब कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए अगर कोई घटना से संबंधित कोई चीज आता है तो इस चीज को समझने में जो है आसानी होती है। यूक्रेन की राजधानी कीव है जो कि उसका महत्वपूर्ण शहर है और इस युद्ध के दौरान दो और नए नाम जो है आते हैं इसमें खारकीव और सुमी, यानी कि कीव, खारकीव और सुमी, ये जो तीनों जो शहर है महत्वपूर्ण जो है यूक्रेन के, सुमी और खारकीव उत्तर में है और ये उत्तर मध्य में जो है उसकी कीव है जो कि उसकी एक राजधानी है। तो ये रूस और यूक्रेन के संदर्भ में जो है एक विस्तृत विश्लेषण था। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को समझने में आपको मदद मिली हुई होगी और हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो है सबसे पहले तो उत्तर लिखने के एक दृष्टिकोण पर हम लोगों ने चर्चा किया कि आपका दृष्टिकोण कभी राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि संवैधानिक, संसदीय, लोकतांत्रिक, नैतिक और मानवीय आधार पर होना चाहिए क्योंकि एक चैनल के लिए उस न्यूज का जो है अलग महत्व होता है लेकिन आप एक प्रतियोगी और विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। आपका दृष्टिकोण हमेशा संतुलित होना चाहिए। अगला कि इस युद्ध और तनाव के कारण के रूप में हमने जो है द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के 1991 ईस्वी तक के जो शीत युद्ध का जो है को देखने का प्रयास किया जिससे ये बात समझ में आई कि किस तरीके से जो है यूक्रेन रसिया के गुट में था और बाद में जो है रसिया उसे जो है एक विरासत के रूप में जो है अपने नेतृत्व के दायरे में जो है मानता था और इस कारण से जो है नाटो की तरफ झुकाव को लेकर के जो है दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और बाद में जो है यह युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो कारणों के रूप में और उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि इस युद्ध के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है या उसकी क्या विदेश नीति रही है। अगला हम लोगों ने यह देखा कि यूक्रेन के साथ भारत के इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के साथ भारत के किस तरीके के जो संबंध रहे हैं और भारत का क्या स्टैंड यहां पे होना चाहिए, भारत को किस तरीके की नीतिगत बदलाव होनी चाहिए, इस युद्ध का किस तरीके से जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है और यूक्रेन तथा रूस की भौगोलिक स्थिति, उसके आसपास के देशों पर हमने अपना दृष्टिकोण अंकित किया। तो ये रही कुछ जो है एक संतुलित जो है विश्लेषण। इसके माध्यम से आपको इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुए जो है समस्या, तनाव और युद्ध के बारे में समझने में मदद मिली हुई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ इसी तरीके की कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।